तो दोस्तों मार्केट में जो लिथियम बैटरी होल्डर मिलता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। आप इसका प्राइस देख ही सकते हो, उसका प्राइस कितना ज़्यादा हाई है। इसलिए मैंने घर पे ही लिथियम बैटरी होल्डर बनाया है और ये मैंने पीवीसी पाइप से बनाया है। इसे बनाना बहुत ही ईजी है और आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हो और ये लिथियम बैटरी होल्डर बहुत ही अच्छे से काम भी कर रहा है, आप देख सकते हो। हेलो दोस्तों, क्रिएटिव बॉय डॉल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों जो मार्केट में लिथियम बैटरी होल्डर मिलता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। आप इसका प्राइस देख सकते हो कितना ज़्यादा हाई है इसका प्राइस। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको होममेड लिथियम बैटरी होल्डर बना के दिखाऊंगा और इसे मैंने पीवीसी पाइप से बनाया है, तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता होगा और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। इसे कैसे बनाते हैं मैंने वीडियो में पूरा दिखाया है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, आप लोग अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक लिथियम बैटरी, फिर हमें यहाँ पर एक पीवीसी शीट चाहिए और मैंने पीवीसी शीट के ऊपर कुछ मार्किंग कर दिया है इस लिथियम बैटरी के हिसाब से, तो मैं जल्दी से पीवीसी शीट को कट कर लेता हूँ मार्किंग के हिसाब से। सो दोस्तों, अब देख सकते हो मैंने पीवीसी शीट को कट कर लिया है और मैं इनका साइज भी बता देता हूँ, मैंने इन्हें किन किन साइज में कट किया है, ठीक है। सो दोस्तों, इसकी लंबाई जो है वो है 8 सेंटीमीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो है 2 सेंटीमीटर और मैंने ऐसा 3 पीस कट किया है, आप देख सकते हो। और ये जो पीस है, मैं इसका भी साइज बता देता हूँ, इसकी जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो भी है 2 सेंटीमीटर और ऐसा मैंने 2 पीस कट किया है। तो आपको भी कुछ ऐसा ही पीस कट कर लेना है। अभी हमें इन सारे पीस को जोड़कर एक बॉक्स बनाना है और मेन पीवी शीट को चिपकाने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब देख सकते हो मैंने पीवी शीट का एक बॉक्स बना दिया है और मैंने इसे बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाया है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर हमारा लिथियम बैटरी बहुत ही अच्छे से आ रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन हम लिथियम बैटरी को ऐसे ही नहीं लगा सकते, हमें लिथियम बैटरी होल्डर के दोनों एंड पे 2 टर्मिनल कनेक्ट करना पड़ेगा। सो टर्मिनल बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह का स्प्रिंग का यूज कर रहा हूँ और इस तरह का स्प्रिंग आपको जो पुराना टीवी का रिमोट है ना उसके अंदर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो हमें इन स्प्रिंग को यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से स्प्रिंग को यहाँ पर फिट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक। सो दोस्तों, स्प्रिंग को यहाँ पर फिट करने के लिए हमें यहाँ पर 2 होल करना पड़ेगा, यहाँ पर और यहाँ पर, तो मैं जल्दी से यहाँ पर होल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों, अब देख सकते हो मैंने बैटरी होल्डर के दोनों तरफ होल कर दिया है, तो मैं जल्दी से अब स्प्रिंग को यहाँ पर फिट कर देता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों, अब देख सकते हो मैंने बैटरी होल्डर के साथ स्प्रिंग को चिपका दिया है, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है, ठीक है। और अभी इसके अंदर हमारा लिथियम बैटरी बहुत ही अच्छे से फिट आ रहा है, आप देख सकते हो। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करके एक बॉक्स बनाना है और उसके अंदर स्प्रिंग को चिपका देना है। लेकिन दोस्तों, हम अगर ऐसे ही लिथियम बैटरी होल्डर बनाएंगे तो ये दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें इसके ऊपर कलर करना पड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर करने वाला हूँ, तो मैं जल्दी से इसके ऊपर कलर करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 5 मिनट्स लेटर। सो दोस्तों, अब देख सकते हो मैंने लिथियम बैटरी होल्डर को ब्लैक कलर कर दिया है और अब ये दिखने में कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख ही सकते हो उसका कलर कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम इसे मार्केट से खरीद के लेके आए। सो गाइस, ये दिखने में तो गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब इसमें वायर कनेक्ट करते हैं। सो ये हमारा माइनस पॉइंट और ये हमारा प्लस का पॉइंट, तो मैं जल्दी इसमें वायर कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, अब देख सकते हो मैंने लिथियम बैटरी होल्डर के साथ वायर कनेक्ट कर दिया है, ये हमारा प्लस का टर्मिनल और ये माइनस का टर्मिनल। और अभी हमारा लिथियम बैटरी होल्डर पूरा कंप्लीट हो चुका है और आप इसका लुक देख ही सकते हो, दिखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम इसे मार्केट से खरीद के लेकर आए। सो गाइस, अब ये देख ही सकते हो, ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब इसे चेक करते हैं, हमारा लिथियम बैटरी होल्डर कैसा काम कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं लिथियम बैटरी को लिथियम बैटरी होल्डर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। सो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने लिथियम बैटरी को लिथियम बैटरी होल्डर के साथ कनेक्ट कर लिया है और अब ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए अब बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं। सो दोस्तों, बैटरी का वोल्टेज चेक करने के लिए मैं यहाँ पर मल्टीमीटर का यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ हमारा लिथियम बैटरी होल्डर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने प्लस को कनेक्ट कर दिया है और अभी माइनस को कनेक्ट करना पड़ेगा।
सो दोस्तों आप देख सकते हो अपने मल्टीमीटर में अभी वोल्टेज दिखा रहा है 3.6 वोल्टेज दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा लिथियम बैटरी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, इसके अंदर से वोल्टेज बहुत ही अच्छे से निकल रहा है, आपने वोल्टेज देखा। सो दोस्तों चलिए अभी इससे कुछ और चला के देखते हैं हमारा लिथियम बैटरी होल्डर कैसा काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक 4 वोल्ट का लाइट ले रहा हूँ, तो मैं इसको चला के देखता हूँ हमारा लिथियम बैटरी होल्डर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये है माइनस, मैं माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, और ये है प्लस। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हो लाइट बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रहा है, आप देख सकते हो उसका ब्राइटनेस। सो गाइस हमारा लिथियम बैटरी होल्डर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, आप देख ही सकते हो। आप इसका ब्राइटनेस देख सकते हो, लाइट बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा है, इसका ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा हाई है। सो गाइस लिथियम बैटरी होल्डर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। सो दोस्तों फिर मैं यहाँ पर एक 12 वोल्ट का 555 डीसी मोटर ले रहा हूँ, तो चलिए अब इसको चला के देखते हैं हमारा लिथियम बैटरी होल्डर कैसा काम कर रहा है, ठीक है। सो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा 555 मोटर बहुत ही अच्छे से चल रहा है, हमारा लिथियम बैटरी होल्डर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, आप देख सकते हो ये जो टेप है ये घूम रहा है। सो गाइस लिथियम बैटरी होल्डर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। सो दोस्तों फिर मैंने यहाँ पर और एक लिथियम बैटरी होल्डर बनाया है, और इसे भी मैंने पीवीसी शीट से ही बनाया है, जैसे मैंने इसको बनाया था तो ये भी बिल्कुल मैंने ऐसे ही बनाया है। तो चलिए अभी इस लिथियम बैटरी होल्डर को चेक करते ये कैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लिथियम बैटरी, तो मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर तीनों लिथियम बैटरी को बैटरी होल्डर का कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब इसका वोल्टेज चेक करते हैं इसके अंदर कितना वोल्टेज निकल रहा है, ठीक है। तो ये इसका कनेक्टर, मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। सो ये दोस्तों हमारा मल्टीमीटर, तो चलिए अब बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये हमारे बैटरी का वायर, तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हमारे बैटरी में से आ रहा है 10.9 वोल्टेज, यानी कि मैंने ये जो बैटरी होल्डर बना है इसे मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पर 10 वोल्टेज दिखा रहा है। मतलब ये जो तीनों बैटरी है मैंने इसे सीरीज में कनेक्ट किया है, अगर ये तीनों बैटरी फुल चार्ज होता तो इसके अंदर 12 वोल्टेज दिखाता, ठीक है। तो ये बैटरी होल्डर भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। तो चलिए अभी इससे और कुछ लगा के देखते हैं ये लिथियम बैटरी होल्डर कैसे काम कर रहा है। सो दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से 12 वोल्ट का 555 मोटर ले रहा हूँ इस लिथियम बैटरी होल्डर को चेक करने के लिए। तो चलिए अब इस मोटर को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं। तो ये इसका वायर। सो दोस्तों आप लोगों ने इसका आवाज सुन ही सकते हो, ये बहुत ही स्पीड में घूम रहा है, इसका मतलब अभी हमारा लिथियम बैटरी होल्डर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। आप मोटर को देख ही सकते हो बहुत ही अच्छे से घूम रहा है। सो गाइस लिथियम बैटरी होल्डर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, तो चलिए अब इससे कुछ और चला के देखते हैं। सो मेरे पास ये वाला छोटा सा मोटर, ये छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड का मोटर है, तो चलिए अब इसको चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों आप इसका आवाज सुन ही सकते हो, गाय से बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये लिथियम बैटरी होल्डर से चल रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सो गाइस आप लोगों ने देखा ये लिथियम बैटरी होल्डर भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। सो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये दोनों लिथियम बैटरी होल्डर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो आप भी ऐसा करके बहुत सारा लिथियम बैटरी होल्डर बना सकते हो और आपका पैसा भी बचा सकते हो। तो आप इसे घर पे जरूर बनाना है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।